अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम यहाँ पर बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिलीशियस बटर गार्लिक चीज़ पराठा, जो कि खाने में बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही डिलीशियस और मुंह में बिल्कुल घुल जाता है। तो इसे आप ब्रेकफास्ट में बनाकर खा सकते हैं। बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही आसानी से यह बन जाता है। तो चलिए हम इसको बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर ले लेते हैं 1 टेबल स्पून लहसुन की कलियाँ बारीक कटी हुई, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स ले लेंगे, 1/2 टीस्पून ऑरिगेनो, 1/4 टीस्पून हम इसमें ले लेंगे ब्लैक पेपर पाउडर, 2 टेबल स्पून हम यहाँ पर अमूल बटर ले लेंगे, सॉल्टेड बटर है ये। तो इसमें नमक ना मिलाए क्योंकि इसमें नमक पहले से ही होता है। तो इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो बटर को थोड़ा सा मेल्ट भी कर लें तो और भी अच्छा रहेगा, जल्दी से मिक्स हो जाएगा। तो अब हम इसमें डाल देते हैं बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती और फिर से एक बार इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेते हैं। इसमें अच्छी तरीके से 2 पराठे बन जाएंगे। तो ये देखिए, हमने यहाँ पर गार्लिक बटर को अच्छी तरीके से तैयार कर लिया है, मिक्स कर लिया है। तो यहाँ पर जैसे नॉर्मल रोटी बनाते हैं उस तरीके से हम यहाँ पर गेहूं के आटे की हम यहाँ पर मोटी सी रोटी बेलेंगे, जैसे पतली रोटी बनाते हैं उस तरीके से नहीं, बस थोड़ी सी मोटी बना लेंगे क्योंकि हम यहाँ पर पराठा बना रहे हैं। तो रोटी हमने बेल ली है, अब इस पर हम बटर जो है अप्लाई करेंगे, जो हमने यहाँ पर गार्लिक बटर बनाया है इसको हम आधी रोटी पर अप्लाई करेंगे, पूरे रोटी पर अप्लाई नहीं करेंगे। देखिए इस तरीके से हमने इसको कर लिया है, लगा लिया है। अब 1/4 हिस्से में हम यहाँ पर चीज़ रखेंगे। ये देखिए इस तरीके से, आप चाहें तो जितना चीज़ चाहें उतना डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा मतलब यहाँ पर डाल रही हूँ। और चाकू की मदद से बीच से हम यहाँ पर कट लगा लेंगे और इसको फोल्ड करके हम यहाँ पर पराठा बनाएंगे। ये देखिए इस तरीके से, और किनारों को अच्छी तरीके से प्रेस करें ताकि चीज़ हमारा जो है बाहर नहीं निकले। ये देखिए हाथों से इस तरीके से हम प्रेस कर लेंगे और सूखा आटा लगाकर हम दोनों तरफ से अच्छी तरीके से प्रेस करेंगे और इसको अच्छी सी रोटी हम अच्छे से पराठा जो बेलते हैं इस तरीके से हम त्रिकोण पराठा हम इसको बेल लेंगे इस तरीके से। ये देखिए पराठा हमने बेल कर यहाँ पर तैयार कर लिया है अच्छी तरीके से। तो आप भी इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिए, ज़रूर बनाइए। तो चलिए इसको अब सेकने की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर हमने एक पैन को गरम करने को रखा था, पैन हमारा अच्छे से गरम हो चुका है, आप चाहें तो तवे पर भी बना सकते हैं। तो इसको पलट लेते हैं पराठे को, बिना तेल के दोनों तरफ से पहले सेक लेंगे, फिर तेल लगाकर इसको हम दोनों तरफ से अच्छी तरीके से क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे। और पराठा हमारा अच्छी तरीके से फूलने लगा है तो दोनों तरफ से तेल लगा लें। ये देखिए हमने दोनों तरफ से अच्छी तरीके से चीज़ पराठा को हमने अच्छी तरीके से सेक लिया है। तो हमारा चीज़ पराठा बनकर तैयार है, चीज़ गार्लिक बटर पराठा। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार पराठा बना है, चीज़ बिल्कुल मेल्ट हो चुकी है अंदर से। ये देखिए देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है और खाने में भी बहुत मज़ेदार है। तो हमने यहाँ पर बटर गार्लिक चीज़ पराठा को सर्व किया है। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो, ये वीडियो पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं ये बटर गार्लिक चीज़ पराठे की रेसिपी आपको कैसी लगी।